हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीर्ति लाठर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और मैं आज टाउन से अभी मैं आ गई हूँ। बाकी मैं टाउन का ब्लॉग्स नहीं भी थोड़ा सा क्लिक लेने का कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि मैं मेरी बेटी को लेके गई थी और ऊपर से मैं स्कूटी भी लेके गई थी, तो इस वजह से बनता नहीं है टाउन का ब्लॉग्स करने के लिए। अगर कोई मेरे साथ होगा तो ज़रूर मैं टाउन का भी ब्लॉग बनाऊँगी। और आज मैं बहुत सारा सामान खरीदी और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी, आप लोग देख पाइए। ये देखिए ये मैं लेके आई हूँ, इसको मैं लगाऊंगी। इतने साइज का है ये, काफ़ी चीज़ ख़राब भी हो गया। तो मैं ये आलू लेके आई हूँ और इसको मैं अपने खेतों में बोऊंगी। तो मैं कोड़ के रेडी कर दी हूँ, तो मैं आप लोगों को खेत को भी दिखाऊंगी मैं किस तरह स्कोर कार्ड के सबको रेडी कर दी हूँ। और इसको थोड़ा सा इसमें गच्छी आ जाए, छिग्गा आ जाए, तो मैं इसको लगाऊंगी। और ये बाकी ये देखिए, मेरा बेड में तो ऐसा ही रहता है हमेशा, जब तक मैंने समेटे में ऐसे फैला पड़ा रहता है। अभी मैं इसको फटाफट से समेट लेती हूँ। और जस्ट अभी हम लोग टाउन से आए हैं, तो देखते हैं पहले खाना खा लेते हैं या तो फिर इसको समेट लेते हैं। और हमारे घर में मुर्गी देखिए अंदर रूम तक, मेरा चावल बोरा वहाँ रखा हुआ है तो वहीं से वो निकाल के खा रही। तो गाइस मैं उनके लिए थोड़ा सा दाना दे लेती हूँ। अभी हो गया है इवनिंग टाइम और मैं किचन में कुछ बचा हुआ था मैं बाजार से लेके आई थी बांस करेल, आप लोगों को मैं उसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये बांस करेल है, तो मैं उसी को अचार डालने के लिए बना रही हूँ। तो मैं इसको अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ, ये इसको अमतुआ के बोलेंगे तो बसुआ के, तो बेच रहे थे उसी को लेके आई हूँ मैं। और इसको मैं अभी आधा मैं कुछ डाली हुई हूँ, तो ये बाकी था तो उसी को मैं डालने वाली हूँ। तो मैं इसको पहले फोरन दूंगी, मतलब थोड़ा सा तेल में फ्राई करूँगी, भूंजूंगी थोड़ा सा इसका खट्टापन जाने के लिए। उसके बाद में मैं इसको कल थोड़ा ठंडा होने के बाद में मैं इसको धूप दिखाऊंगी। तो गाइस देखिए मैं किस तरह से करती हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं अभी गैस ऑन कर लेती हूँ और ये सरसों तेल ले लेती हूँ। और मैं इसमें आप लोग चाहिएगा तो लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं। और मैं ये सरसों तेल और इसमें लूंगी, मेरी ये डिब्बी है पीला सरसों, और ये है मेथी दाना, और ये है मंगरेला। तो मैं इसी से बनाऊंगी, जीरा नहीं, सौंफ नहीं है, बाकी पंचफोरन जो मिलता है तो वही चीज हो जाएगा, ये पंचफोरन का ही। तो मैं डालती हूँ सबसे पहले, आप लोग देख पा रहे होंगे कि नहीं, कि एक बार देखती हूँ। तो गाइस देखिए मैं अभी इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा ही डालूंगी, वो भून जाए और ये गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो मैं इसमें सरसों मेथी इतना डाल दूंगी, और गर्म हो ही गया है मेरा कढ़ाई। तो डाल देते हैं हम लोग, फिर ये चटक जाएगा। थोड़ा हम लोग चटकने में देंगे, फिर मैं इसको चटक गया था तो पानी जला के डाल देते हैं। निचोड़ लेते हैं तो डाल देते हैं इसको, मैं थोड़ी देर भून लूंगी, इसके बाद में इसको हो जाएगा हल्का सा, क्योंकि सब्जी की तरह इसको मैं भून लूंगी, हल्का से इसका खट्टापन जाने के लिए इसको मैं भून रही हूँ।
इस तरीके से। और मैं इसमें थोड़ा हल्दी भी डाल देती हूँ, अचार में हल्दी मिर्चा डालता हूँ मैं, तो मैं इसमें पाउडर वाला हल्दी और मिर्चा पाउडर का डालूंगी। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ये हमारा मसाला डालने, इसमें से मैं 2 चम्मच मिर्चा डाल दूंगी, मिर्चा पाउडर, और ये हल्दी पाउडर भी मैं 2 चम्मच डालती हूँ, और इसको फटाफट से फिर से घुमा देती हूँ। थोड़ा सा ये हल्दी पक जाए और मिर्चा को ऐसे और मैं फिर छोड़ दूंगी, फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं फिर मैं बना के रखती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसमें बना के रखी थी, हल्का सा तेल डाली थी और खाने में बहुत ही स्वाद था, मेरे चम्मच बिस्सी में है तेल देख पा रही, बहुत ही अच्छा बना। तो बाद जब ठंडा हो जाएगी तब इसमें डालूंगी, इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ मैं, हल्दी ऊपर से डाल दूँ ना तो सफ़ेद रह गया है और फिर पीला दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें सारा को अच्छी तरह से मिला दूंगी तो अच्छे से हो जाएगा। सिंपल साइज का अचार डालने के लिए कोई चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको फौरन मार लीजिए, और अगर घर का बांस हो तो उसको तो पानी में बोतना पड़ेगा, खट्टा करवाना पड़ेगा उसको, उसके बाद ही इसका अच्छा लगता है, बिना खट्टा का थोड़ा गाड़ी में अच्छा लगता है, खट्टा करने के बाद में इसका नहीं लगता है। तो देखिए मेरा अच्छी तरह से ही भून जा गया है, और जब ये ठंडा हो जाएंगे तब मैं जार में डाल के थोड़ा सा सरसों तेल डाल लेंगे, फिर उसको धूप में दिखाऊंगे। तो गाइस ये देखिए हो गया है मेरा अचार का, और मैं ये तो गाइस मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं कमेंट में भी प्यारा प्यारा कमेंट भी लिख दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो मैं और अच्छा करने का कोशिश करूंगी। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पर अंत करती हूं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।